कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीपीजी कॉलेज में साठ संघ चुनाव के मतदान के बाद मतगणना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि एमबीपीजी कॉलेज में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी प्रत्याशी सूरज रानुलमा और निर्दलीय प्रत्याशी संजय जोशी के बीच कड़ा मुकाबला है। भारी सुरक्षा के बीच कॉलेज में मतगणना शुरू कर दी गई है। 1741 छात्र और 552 छात्राओं ने मतदान किया। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरा और कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना कार्य चल रहा है, जिसमें कि 15 राउंड की मतगणना के बाद देर रात तक चुनाव के नतीजे आएंगे। फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने मतगणना के बाद जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हल्द्वानी से दीपिका अधिकारी की रिपोर्ट। मतगणना प्रारंभ हो चुकी है, लगभग 37% वोट पड़ा है हमारे महाविद्यालय में। अब मतगणना का कार्य शुरू हो चुका है। अब इसमें टेबलें लगी हैं, 10 टेबल्स हैं और एक पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हो चुका है सांस्कृतिक सचिव का। तो देखते हैं आगे कार्यक्रम चलता रहेगा। मतगणना लगभग 14 या 15 राउंड चलेंगे उसमें, और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। फिर उसी समय परिणाम घोषित के बाद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। निष्पक्ष तौर पर किस तरह से मतगणना चल रही है? बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सारा पुलिस बल, हमारा महाविद्यालय प्रशासन पूरा यहाँ पर तैनात है। आप देख ही रहे हैं अलग अलग टेबलों में उनके एजेंट्स भी बैठे हैं जिनके सामने मतगणना का कार्य चल रहा है।